इनके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं और कुछ लोग इन्हें लड़की समझ रहे हैं तो कुछ लोग लड़के, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि हम लड़के हैं। हम बातचीत करेंगे और पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये लड़के हैं या फिर लड़की हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं कि ये वायरल होने के लिए सब कुछ ड्रामा कर रही हैं। तो उस चीज़ पर भी हम चर्चा करेंगे, पूरी इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं, नाम क्या है आपका? पहले तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हमारा नाम मोनू है। मोनू, हाँ, और खुशबू रानी के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, मोनू नाम है और खुशबू रानी के नाम से जानते हैं, इसका क्या लॉजिक है कि नाम तो मोनू है और खुशबू रानी के नाम से? घर पे लोग मोनू कहते हैं, जैसे लोग आप जानने लगे तो खुशबू रानी के नाम से। लड़के हैं या लड़की हैं? लड़का है। तो फिर ये नाम खुशबू रानी की वजह क्या है? वजह यही है कि हम अपने पार्टी के मालकिन हैं। अच्छा, ये जो गेटअप, आप इस गेटअप में ही वायरल हैं, जो लड़के का गेटअप होता है, आप कह तो रहे हैं कि हम लड़के हैं, लेकिन लड़के के गेटअप से मुझे नहीं लगता कि शायद इस तरीके से किसी ने वीडियो देखा हो। वाकई में आप हो सकता है घर पे रहते हो इस तरीके से, लेकिन वीडियो किसी ने देखा हो लड़के के गेटअप में, ये चीज़ें तो अब पब्लिक बोलती हैं कि नहीं ये महिला है कि अपना वायरल होने खातिर की है। अभी भी हम कहते हैं कि अगर हमारे पब्लिक को नहीं विश्वास होगी तो कमेंट करना, हम सादे ड्रेस में देंगे, लड़के जैसा इंटरव्यू देंगे, और अगर तब भी नहीं समझ में आए तो मम्मी पापा से मिलवाएंगे, आसपास से मिलवाएंगे, सब लोग से हम ये बोलते हैं कि हम लड़का हैं। लेकिन लोग फिर भी आपकी जो खूबसूरती है उसके लोग दीवाने हैं, आपकी जो अदाएं हैं उसके लोग दीवाने हैं, आपकी जो आवाज़ है, एक खास बात ये भी है कि आपकी आवाज़ भी लड़कियों जैसी है, महिलाओं की आपकी वॉइस जो है वो महिलाओं जैसी है, तो लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आवाज़ तो लड़कियों जैसी है। अच्छा, ये आवाज़ आप इंटरव्यू के दौरान बनाती हैं या फिर आवाज़ ही आपकी रियलिटी यही है आवाज़? नहीं नहीं, ये आवाज़ हमारा मतलब रियल है। अरे हम कब तक बनाएंगे ऐसी आवाज़? हमारा बचपन से आवाज़ है, हमारा चाल ढाल वेशभूषा बचपन से है। अगर हम बनाते तो कितना थाम के बनाते। हम गाना भी गाते हैं तो लड़की जैसा आवाज़ निकलता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, अवधि गीत गाते हैं, कोई लड़का अधिक गीत गा के नहीं उठो। नहीं, आज के दौर में मिमिक्री आर्टिस्ट तमाम है, जो लड़के हैं वो लड़कियों की आवाज़ निकालते हैं और फिर इस तरीके से तमाम सारे लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं, कहते हैं कि हमारे हज़ारों बॉयफ्रेंड हैं, इस तरीके के भी काम करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ ही ऐसी है। हाँ, बचपन से इसी तरीके की आवाज़? बचपन से ऐसे है। आपके परिवार से इन चीज़ों से कोई जुड़ा हुआ था या अपने परिवार से पहली है जो इस फील्ड में आई है? नहीं, हमारे पापा बिरहा गाते हैं, बिरहा देवी गीत कजरी उजरी सब गाते हैं, तो उन्हीं के ढोलक मास्टर जो थे उन्हीं मंच पे हमें लाए यहाँ तक। कब से ये सफ़र शुरू हुआ आपका इस तरीके के मंच पर काम करने? हम छोटे से थे, बचपन से, इतना बड़े से थे तभी से, हमको लगा था 13-14 साल से हम यही करते हैं। पढ़ाई उड़ाई आपने? हाँ, 9 तक पढ़े हैं। 9 तक पढ़ने में मन नहीं था या फिर परिवार वालों ने पढ़ाया नहीं? नहीं, मन था। जैसे पढ़ाई हमारी वजह से क्यों टूटा बताए, जैसे हमें इंग्लिश नहीं आता था तो हम 9 में जब पढ़ते थे ना तो उसमें होता है ना आर्ट लॉजिक साइंस क्लास होता है ना, विषय होता है, तो पापा से हम बोले, पापा माँ कहें नहीं तो का साइंस पढ़े खो, और हम कहें नहीं हमके आर्ट पढ़े खो। इसी के चक्कर में हम 1 साल नाम ना लिखाए, हमारे मौसी की लड़का ने लेके चला गए पूना घूमने खातिर। पूना से आए फिर हमारे गांव के एक मिस्टर सर जी हैं, मिश्रा हैं, तो उन्हें से एडमिशन करवा रहे थे तो बोले कि नहीं अभी 9 में एक बार और पढ़ो, 8 में तब 9 में एडमिशन होगी। तो वहीं से हम बोले यार 1 साल पढ़ाई उससे पीछे चली गई, फिर पढ़ी, तब तक ये मंच वाला काम आए हुआ, उनके ढोलक मास्टर कहने ले चला मंच पर नचावा जाए, पहले से हम गाना गाते रहे नाचते रहे हैं, तो पढ़ाई वहीं से छूट गई। मंच पर जब आप जाती होंगी तो लोग पहचान लेते हैं, एक अजनबी मंच हो, एक अजनबी गांव हो, वहां लोग पहचान पाते हैं कि जब बुलाया जाता होगा कि भाई खुशबू रानी को मंच पर बुलाया जाए, या आपके स्टेज के मालिक कहते होंगे खुशबू रानी आ रही है मंच पर, तो क्या लोग समझ पाते हैं ये लड़की है या लड़का है? नहीं, कोई नहीं समझ पाता है। हमारे नाम से तो हमारा आर्डर बुक होता है, खुशबू रानी आएंगे तो देखने के मिलेगी, यहाँ तक तो अभी मंच पर जो बुलाते हैं ना कि आ रही है मिस खुशबू रानी, खुशबू रानी के नाम सुनते हुए पब्लिक खड़े हो जाते, चिल्लाने लगते हैं, बहुत प्यार मिलता है मंच पे। यानी उस आपके टीम में वो लड़कियां भी होंगी, उन लड़कियों पर उतने दर्शक उत्साहित नहीं होते जितने आपके मंच पर आने से होते हैं? पहले तो हमारा नौटंकी है, नौटंकी में उतना लड़की काम नहीं करती है, जिसको गाना आता है। ऑर्केस्ट्रा में भी तो आप काम करती है ना? ऑर्केस्ट्रा में हम बुलाने पे जाते हैं। अच्छा, कोई बोलता है ना, कोई घर मालिक हो या बारात मालिक हो, बोलता है कि उस पार्टी में खुशबू रानी है उन्हें लेके आओ,
तो जहाँ मांग रहा था वहाँ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। और स्टेज शो करते हैं मंच, और फिर किसी के गाने पे मिल जाए एक्टिंग करने के लिए वो भी करते हैं। तो कोई नहीं, सब मंच पर पहचान नहीं पाते कि खुशबू रानी लड़की है या नहीं। बहुत तरीके से कोई नहीं पहचान पाता है, यहाँ छेड़ने लगते हैं, यहाँ चक्कर काटते हैं, खुशबू रानी खुशबू रानी। कोई ऐसा वाक्या हुआ हो आपके साथ? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब इस तरीके का मंच चलता है तो जो सामने वाले दर्शक होते हैं, हमने देखा है कि लोग मंच पर भी चढ़ जाते हैं, लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, लेकिन जो वहाँ पर व्यवस्थापक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके का कोई हरकत ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसी हरकतें देखा गया है, वीडियो भी वायरल हो जाते हैं इस तरीके की हरकत को लेकर। तो आपके साथ भी इस तरीके की कोई घटना हुई हो, किसी ने हरकत किया हो? नहीं, देखो हम बताएं ना, हमारे नाम से जब पार्टी चलने लगी तो हमारे आरी भगत सपोर्टर रहते हैं। अच्छा। यहाँ तक तो लोग बोलते हैं कि इनाम देते हैं, बोलते हैं कि हाथ में नहीं तो मुँह से मुँह मिला के इनाम देते हैं, मुँह से पकड़ के। तो हम जल्दी मुँह से इनाम नहीं लेते हैं, जो हमारे सपोर्टर खड़े रहते हैं तभी हम मुँह से लेते हैं इनाम, और तो ऐसे नहीं लेते हैं, सब गलत बात है। दीवाने तो आपके मुझे लगता है लाखों होंगे। लाखों होंगे, लाखों नंबर मिलता है मंच पे। हाँ, मंच पर ही नंबर मिल जाता है। मंच पे मिल जाता है, और कोई फेंक देता है लाके, अंदर मेकअप करते हैं ना, कोई वहाँ पे फेंक देता है, कोई कैसे दे देता है। अभी हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम सुबह जा रहे हैं, कोई अंदर गाड़ी में फेंक दे रहा है लिख के। तो बहुत सारा नंबर मिलता है, और किसी किसी के पास लिखने की कापी नहीं रहता है तो वहीं पैसे में लिख के देते हैं। अच्छा, नोट पर नंबर लिख कर देते हैं? हाँ, नोट पर देते हैं लिख के। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, यानी आपके पीछे बहुत सारे दीवाने हैं। कभी इतना दीवाने पागल हो जाते हैं कि घर मालिक हो या बारात मालिक हो, उन्हें पहुंचवाना पड़ता है, कुछ दूर तक छोड़ना पड़ता है। ले जाओ भाई, सुरक्षित इन्हें छोड़ कर आओ। हाँ, छोड़ के आओ। डर नहीं लगता आपको? नहीं, क्यों नहीं डर लगेगा भाई, जब इतना लोग हमारे पीछे पड़े हैं, एक चीज के दो चार लड़के पड़ जाएंगे तो डर लगते लगने लगेगा। तो पहुँचाते हैं, जहाँ ज़्यादा बदतमीजी होती है वहाँ पहुँचाते हैं ले।